इसका शक्ल का इसका दोस्त नहीं, इसका माँ का दोस्त है, काला है। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरा चैनल पे, आप लोगों का फिर से स्वागत है। और एक बार मैं कह दूँ बहन चुदू, तो आज आप लोग हम देखेगा सिटी सेंटर जो काफी सुंदर है सिलीगुड़ी के अंदर, तो ये काफी मजा है देखने को और आप लोग काफी इंटरेस्टिंग चीज आप लोग को दिखाएगा, हम आप लोग को दिखाएगा। और मैं सिटी सेंटर से जाऊँगा मेरी मेरिक भी आप लोगों को देखेगा, हम काफी सुंदर है, शायद आज तक किया नहीं तो आप लोगों को दिखाएगा, हम वो चीज कोई चीज ना देखा हो तो कुछ दिखने में कुछ अलग ही होते, तो आप लोगों को दिखाएगा अब किस तरह से क्या चीज आप लोगों को दिखने में सुंदर लगेगा। तो ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो अब मैं हूँ गुरुंग बस्ती की गली पे और काफी मौसम अच्छा है और काफी साफ और पर रास्ता का हालात बहुत ही खराब और ये देख सकते है आप लोग बिल्कुल ही गंदा नहीं है, साइड पे लोगों ने काफी मेंटेन से रखा हुआ है ये जगह को। वाओ, ये जगह को तो अवार्ड मिलना चाहिए इस लोगों ने। और ये है प्रधान नगर और इस साइड पे है लॉटरी, जो आप इसको 30 रुपए पे काट के आप बन सकते हैं रातों रात करोड़पति, नॉट ए किसी का पति, सिर्फ बन सकते हैं आप करोड़पति ये लॉटरी काट के। तो अब हम प्रधान नगर का फेमस प्रधान नगर का यहाँ पे सब्जी वब्जी एप्पल ऊपर हर एक चीज़ आपको मुर्गी मछली क्या चाहिए आपको हर एक चीज़ मिलेगा प्रधान नगर पे। और मुर्गी का हर एक पार्ट्स मिलेगा, गुट्टी से लेके हर एक पकड़ सकड़ सब मिलेगा आपको बस। तो ये है दार्जिलिंग मोड़ का स्टेशन, बस स्टेशन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कटप्पा का भाई छोटा भाई छटप्पा है। तो अभी हम लोग ट्रैफिक पे काफ़ी रुका हुआ है, तो देख सकते हैं अगर ये ट्रैफिक क्रॉस हो जाएगा तो हम लोग पहुँच जाएगा अभी सिटी सेंटर। तो अभी हम लोग पहुँच चुका है गाइस सिटी सेंटर, तो मेरे आगे पे है कटप्पा जो मेरे आगे चल रहे हैं। तो काफ़ी सुंदर है सीन और मौसम भी बहुत ही बढ़िया और राधे 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 राधे। तो देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया है, हम पहुंच चुके हैं सिटी सेंटर, आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर और काफ़ी बहुत ही बड़ा और काफ़ी एक्सपेंसिव है इसका अंदर बहुत ही बहुत और बहुत मज़ा है। और गाइस यहाँ पे हर एक चीज़ मिलता है आपको, क्या खाना है क्या पीना है क्या करना है हर एक चीज़ आपको ना हर एक चीज़ मिलेगा यहाँ पे, मसाज चलेगी हर एक चीज़ पर बहुत ही एक्सपेंसिव है गाइस, तो काफ़ी सुंदर है देख सकते हो काफ़ी बड़ा है। और ये है चिल्ड्रन पार्क और हम चिल्ड्रन पार्क पे आ चुके हैं, देख सकते हैं सीमेंट का मशरूम पत्थर वाला मशरूम है गाइस। तो बच्चों लोग के लिए यहाँ पे काफी खेलने के लिए गाड़ी वाड़ी हर चीज एक सुविधा दे के रखा हुआ है, पैसा फेंको तमाशा देखो गाइस। तो देख सकते हैं कपल्स लोग, वाओ ब्यूटीफुल कपल्स जो अपने हाथों से उसको अपने बॉयफ्रेंड को खिला रहे, मजा आ गया देख के, काश मेरे भी कोई गर्लफ्रेंड होता तो मैं भी इस तरह से बैठ रहा होता, फिलहाल तो नहीं है तो छोड़ दो सपना देखने का। तो आजकल देख सकते हैं गैस जंगल पे जाके जू पे जाके आपको बंदर दिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर एक घर पे आजकल बंदर की कमी नहीं है, शैतान है सब। तो देख सकते हैं माँ बेटा का प्यार, बेटा ने अपनी माँ को हाथों पे लेके किस तरह प्यार कर रहा है आप देख सकते हैं, बढ़िया बहुत ही बढ़िया से लगाया गया है कोकोनट ट्री। और ये है नारिकल का पेड़ और नारिकल का पेड़ का वजह काफी सुंदर लग रहा है, भोंसरे की मजा आ रहा है कुछ अलग सा अंदाज पे। और देख सकते हैं कि जीजी लोग काफ़ी बिजी है लगता है मेरे ख्याल से, और शायद फ़ोन में बात करके शायद बहुत दुख में है दीदी लोग। और देख सकते हैं सिटी सेंटर पहुंच चुका है और वाओ क्या है सारी डे है लगते हैं, वेलकम टू माय सारी डे, वाओ सब सारी में ऐसे लग रहा है कि तो भूख के घर तरफ लेके चला जाओ सोच, क्योंकि आज का डेट पे सारी लगाने में बहुत ही कम देखने को मिलता है, नहीं तो ऊपर और नीचे से काम चला लेते हैं आजकल लड़की लोग, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बस लग रहा है कि ढेर सारा लोग है और ढेर सारा लड़की लोग है और मुझे लड़की लोग से सब एलर्जी है गैस, ठीक हो गया मैंने आज बॉम्ब लेके नहीं आया, नहीं तो यहाँ पे फेंक देना था मजा कर रहा है गैस। तो अभी हम सिटी सेंटर का टॉप फ्लोर पे है और यहाँ से सब कुछ क्लियरली देख सकते हैं, आधा सिलीगुड़ी को यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर है। और ये है नीचे में यहाँ पे लिपस्टिक हर एक पर्स आपको मिलेगा छोटा छोटा चीज जो आपको चाहिए। और ये है मैगी भैया जो जा रहा था आगे, उसका मैगी चुकी है उसका बाल भी गए, तो बस यहाँ से देख सकते हैं आसमान सब काफी साफ है, तो काफी सुंदर से देख रहा है यहाँ पे, सब सारे पे एक को तो लेके जाना पड़ेगा लगता है सब खुश हो जाए, क्योंकि सब सारे पे मुझे जो सारी होता है पता
आगे है यहाँ पे गार्ड, ये यहाँ पे गार्ड लोग हैं, वहाँ यहाँ पे काफ़ी सेफ देते हैं गार्ड लोग ने। और हम लोग यहाँ से निकलेगा अभी सिटी सेंटर से, क्योंकि काफ़ी देर हो चुका है यहाँ से। अब यहाँ से निकल के डायरेक्ट निकलेगा मिरिंग, तो हम लोग यहाँ से निकलेगा बाहर। और बाहर निकलने के लिए काफ़ी सारा गेट है, पर हम लोग यहीं से निकलेगा। आप लोगों की मर्जी, आप लोग कहाँ से निकलना है निकल सकते हैं। और हम लोग फिलहाल गाइस सूखना और यहाँ पे बिल्कुल भी मत थूकना। बहुत सुंदर है गाइस, देख सकते हैं यहाँ से पहाड़ों का नज़ारा देखने को मौका मिल रहा है। और प्लेन और पहाड़ मिल जाए तो वाह क्या मज़ा ही आ जाता है कुछ अलग से। तो ये है दूधे ब्रिज, जो उस पार होगा मृग और इस पार है दूधे। और हम दूधे पे पहुंच चुके हैं गैस, सॉरी। तो काफी सुंदर जगह देखने को मिल रहा है मृग, जो काफी सुंदर है। और अब यहाँ पे रेड ट्रैफिक लग के बैठा हुआ है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे रुकना पड़ा। और ये है तिनाली, आप लोग यहाँ से जहाँ भी जा सकते हैं, आपका मर्जी है गैस। तो हम लोग मिरिक एंटर हो चुके हैं और काफी सुंदर है, वाह मजा आ रहा है कुछ अलग सा ही। तो ये है नागालैंड, शायद टूरिस्ट लोग आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए, तो हम भी टूरिस्ट हैं, हम भी घूम रहे हुए। और नागालैंड आप कितना आदमी को पता नहीं है, और ये भी इंडिया पे पड़ता है, और पता नहीं है तो आजकल तो हिस्ट्री पे चेक करके देख लो। मेरी कॉम, मेरा भाई चानू है, ढेर सारा ओलंपिया लोग वहीं से निकलते हैं गाइस। तो अभी आप लोगों को थोड़ा सा दिखाएगा सीन जो मिरिक का, ज्यादा तो नहीं दिखा पाएगा क्योंकि शाम हो चुका है। ये दीदी मेरे को बहुत रात को पहुंच चुका है, जो अंधेरे से भरती हुई भरपूर है, और हमें बिल्कुल ही मजा नहीं आ रहा है, अफसोस। ये किसके वजह से? ये देखिए यहाँ पे सुअर लोग। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जो मतलब उठता ही नहीं है। तो एक महापुरुष इंसान ने कहा है कि सुबह धूप को जगाने से सब कुछ काम जल्दी होगा, तो इन लोग धूप खत्म होने के बाद इन लोग उठता है तो कैसे होगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता के वन्नु सर। और बस इतना ही। तो अभी क्या करेगा? तो अभी रात को आया, धूप लग रहा है अभी, इतना रात को, इतना सुंदर जगह पे आए हैं, इतना रात को आ गया, दिखाई दे रहा हूँ मैं। हाँ अंधेरा पे सिर्फ आपको अंधेरा ही दिखाई देगा, और चारों तरफ लाइट दिखाई देगी, ऐसे लगेगा कि आप मैं तो सफेद धूप फिर भी काला लग रहा है कुछ, बिकॉज ठंडा है यहाँ पे बहुत सारा। इतना ठंडा है कि क्या, और बर्फ बनने वाला हूँ मैं, और थोड़ा देर बर्फ बन जाऊँ, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। प्रियंका कुछ कहना चाह निधि कुछ कहना चाहते हो आप? के भन्नु छ? छैन भन्नु, ठंड लग रही है। कौन से माटोले बने घोले हो? तो इसे मिट्टी से बनाया गया है। जो बात नहीं कर सकते, घूमा है ऐसे, बनाया गया है ऐसे। इसका माँ भी गूंगा था, इसलिए भी गूंगा है। नहीं प्रॉब्लम है। और इसके लिए कुछ बोलना चाहता है? इसके लिए ये तो उधर से आया है, साउथ अफ्रीका से आया है मिस्टर काले। अगली जो मैं राम नहीं बोल देते क्या आंटी, आया डर लाइन बस। छेमा का सामने नहीं बोलना है, छेमा का दिन में लगता है जो उसका बच्चा है मुझे काला क्यों बनाया? गोरा बनाती बाप का भी दोस्त है। तो आपको मिरिक में खाने के लिए आया ना, क्या खाने के लिए आया आप? तो कैसे लग रहा है? आया था घूमने, आया तो बुद्धू इतना रात को आता है। बुद्धू इतना रात को आता है? बताने वाला जो सोनू है, सोनू ने बोला रात को जाना है, बहुत खुश। इन लोग भूत है इसलिए रात को दिखाई देते हैं, इसलिए अभी टॉर्च लगा के देख रहे हैं काला का वजह से। ठंडा से हम लोग और काला हो चुका है यार।
मैं ठहरा हैंडसम इन लोगों को बीच पे आ गया, मुझे मजा तो नहीं लग रहा है, फिर भी भेड़ना पड़ रहा है मुझे। एक काला है दोस्त रे, बिने मन तो नहीं हो रहा, फिर भी एग्जिस्ट कर रहा हूँ मैं। ये दोसे इधर क्या, वो पाउडर है वो पाउडर है ये इंदू है बड़ा, ये सावा सो का है जो यहाँ पे नहीं मिलते, ये दारे सिलगुड़ी आसाम से लेना पड़ता है इसको। नहीं से। और उसका बाप है, एनर्जी ले रहे, ऊर्जा मिले इस ठंडा पे। हम जाएगा गाइस, हरिन है, हरिन घर को हरिन। तो गाइस काफी रात हो चुका है, तो हम लोग मिरिक से निकलने वाले हैं, तो ये मेरा आज का लास्ट ब्लॉग है, और सबको गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम। और देख सकते हैं मिरिक काफी सुंदर लग रहे हैं, रात को भी देख सकते हैं दाएं बाएं सब जगह, और ये सुंदर सा एक फील और एक चार्ज है। तो गुड नाइट।